राखी गुप्ता और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फैशन ट्रेंड्स पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं एवर यूथ नेचुरल स्क्रब फेस स्क्रब का रिव्यू दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ रेड बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा रिव्यू। ये है एवर यूथ नेचुरल वॉलनट स्क्रब जो मैंने पास के ही शॉप से परचेस किया है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या बेनिफिट है आपको इस स्क्रब को यूज़ करने से। तो जैसा इसमें लिखा गया है कि ये आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा और डेड स्किन सेल्स जो हैं उसको भी रिमूव कर सकता है। तो आज मैं इसे आपको लगा कर भी दिखाऊंगी, इसे यूज़ करके दिखाऊंगी। तो पहले उससे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। ये मुझे पड़ा है 85 रुपीज़ का। इसकी नेट क्वांटिटी है 50 ग्राम्स। ये 50 ग्राम्स का मुझे 85 रुपीज़ में पड़ा है एवर यूथ नेचुरल वॉलनट स्क्रब का। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसे आपको चेहरे पर लगा कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये है स्क्रब। इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, ये नॉर्मल है और अच्छी है। तो अब मैं इसे अपने फेस पे लगाकर भी दिखाऊंगी आपको। आप इसमें हल्का सा पानी ऐड करके लगा सकती हैं ताकि आपके चेहरे पे स्मूथली स्क्रब हो। और जिनके नोज़ के एरिया पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं वो इसे अच्छे से यूज़ कीजिए, नोज़ के एरिया पे अच्छे से स्क्रब कीजिए। मैं इसे 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो मैंने सोचा अपने वीडियो में मैं इसका आज रिव्यू दूँ। अब थोड़ा सा वाटर मिलाकर इसमें अच्छे से स्क्रब कीजिए अपने चेहरे पे, खासकर जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं। जिनके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए स्क्रब बहुत ही अच्छा है। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। इस तरह से आप अपने चेहरे पर स्क्रब कीजिए इसको। इसे लगाने के बाद ना मुझे बहुत ही अच्छा फ्रेश फीलिंग आती है और अंदर से ऐसा फील आता है कि वाकई में चेहरे को क्लीन कर रहा है, डेड स्किन को साफ कर रहा है। तो मैं इसलिए इसको यूज़ करते रहती हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से जेंटली तरीके से कम 2 मिनट तक अपने चेहरे को मसाज करना है इस स्क्रब से। चलिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्क्रब कर लिया अपने चेहरे पे, अपने अंडर आइज के पास भी। अब मैं इसे धोकर आती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस को कितने अच्छे से मैंने फेस को धो लिया और कितना अच्छा शाइन कर रहा है, एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही है मुझे। और वाकई में लग रहा है कि मेरे थोड़े से डेड स्किन हटे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फीलिंग आ रही है अपने चेहरे पर। तो ये स्क्रब बहुत ही अच्छा है। अगर आप बाय मिस्टेक कोई ऐसा स्क्रब ले लेते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि अपने स्क्रब को वेस्ट ना करके या ना फेंक कर आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको काम आए, पैसा वेस्ट ना हो। तो आपने पिछले वीडियो चेक कीजिए, आपको पता चलेगा अपने जो भी बेकार स्क्रब खरीदे हैं परचेस किए हैं उसको कैसे सही से यूज़ करना है। और नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ये स्क्रब लेते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एवर यूज़ कर लीजिए, जो सबसे बेस्ट स्क्रब है। मैंने अभी तक बहुत सारे स्क्रब यूज़ किए हैं लेकिन मेरा फेवरेट स्क्रब यही रहा है। तो आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो। तो
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।